नवयुग की तैयारी है। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। भाई श्री राजीव जी, इस नए भारत की संकल्पना के बारे में आपको प्रबोधन देंगे और आपके भीतर वो जोश भरेंगे जिससे कि आप भारत के भाग्योदय के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें और भारत को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए यदि आत्म बलिदान भी देना पड़े तो भी ना घबराएं। भाई राजीव जी, परम पूजनीय स्वामी जी, भारत देश के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, अभी थोड़ी देर पहले आप स्वामी जी के मुख से सुन रहे थे भारत की जो दुर्दशा है वो क्या है और भारत की दुर्दशा को ठीक करने के लिए जो भारत स्वाभिमान की नीतियां हैं और उद्देश्य हैं वो क्या हैं। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि क्या ये भारत स्वाभिमान की जो नीतियां और उद्देश्य हैं ये सफल होंगी, क्या ये भारत स्वाभिमान का अभियान सफल होगा, क्या भारत का भाग्योदय होगा। अक्सर हम सब कार्यकर्ताओं के मन में समय समय पर ये प्रश्न उठता रहता है, आपस में हम चर्चा करते रहते हैं, एक दूसरे से शंका की दृष्टि से पूछते रहते हैं कि क्या ये अभियान सफल हो जाएगा, क्या हम जो इच्छा करते हैं वैसा भारत बन पाएगा, क्या हमारे सपनों का भारत हम अपने जीते जी देख पाएंगे, मन में अक्सर ऐसा आता है। मैं आपको दुनिया के कुछ देशों के उदाहरण देकर यह बात समझाने की कोशिश करूंगा कि यह अभियान सफल होगा और यह अभियान क्यों सफल होगा, कैसे सफल होगा। दुनिया के अन्य देशों में ऐसे अभियान जब जब चले हैं तो वो कैसे चले हैं, क्यों सफल हुए हैं और किस ऊंचाई तक वो पहुंचे हैं। भारत स्वाभिमान का जो अभियान अपने भारत में परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में जो शुरू हुआ है, ये अभियान भारत की दशा को और दिशा को ठीक करने वाला है। भारत की गरीबी, भारत की भुखमरी, भारत की बेरोजगारी, भारत के किसानों की बेबसी, भारत के मजदूरों की लाचारी, हमारे देश की महिलाओं बहनों पर होने वाले अत्याचार, हमारी माताओं बहनों की लूटने वाली इज्जत, ये जो सारे गंभीर प्रश्न पैदा हुए हैं हमारे देश में, इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास है ये भारत स्वाभिमान का अभियान। और इस अभियान की सफलता 100% निश्चित है, ये अभियान पूरी तरह से सफल होगा। और यह अभियान पूरी तरह से सफल क्यों होगा, क्योंकि ऐसे अभियान दुनिया के जिस जिस देश में जब जब चले हैं तो पूरी तरह से सफल हुए हैं। बस प्रश्न इतना है कि करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है, अभियान उतनी जल्दी सफल हुए हैं। करने वालों का संकल्प जितना बड़ा है, अभियान उतनी तेजी से सफल हुए हैं। भारत में जो अभियान अभी शुरू हुआ है व्यवस्था परिवर्तन का, भारत में ये जो भारत स्वाभिमान अभियान शुरू हुआ है नीतियों के परिवर्तन का, यह अभियान अलग अलग समय पर दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में चल चुका है। मैं कुछ उदाहरण से आपको बताऊं, जैसे हम भारत स्वाभिमान अभियान भारत में इस समय चला रहे हैं, आज से लगभग 250 वर्ष पहले ऐसा ही एक अभियान जापान में चला था जब जापान विदेशी शक्तियों का गुलाम हो गया था। 16वीं शताब्दी में जापान के एक राजा से छोटी सी गलती हो गई और वो गलती ये हुई कि उसने हॉलैंड के देश की एक व्यापारी कंपनी को व्यापार करने के लिए जापान में लाइसेंस दे दिया। जापान का एक बहुत बड़ा शहर है, उसका नाम है नागासाकी। आप जानते हैं ये नागासाकी वो शहर है जिसके ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था सन 1945 में, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर। एक और शहर है नागासाकी नजदीक में हिरोशिमा, वहां भी एटम बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। तो नागासाकी नाम के शहर में 16वीं शताब्दी में 1600 के आसपास एक डच कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया। वो कंपनी नागासाकी में घुस गई, धीरे धीरे उसका व्यापार शुरू हुआ, मुनाफा उनको वहां मिलने लगा, तो कुछ और डच कंपनियां वहां घुस गईं। फिर ये डच लोगों की मदद से
स्पेनिश लोग वहां पहुंच गए, फिर उनकी मदद से कुछ फ्रांसीसी लोग पहुंच गए, फिर पीछे से अंग्रेज पहुंच गए और अंत में वहां अमरीकी भी पहुंच गए। 1858 तक आते आते जापान की यह हालत हो गई कि जो जापान 16वीं शताब्दी तक संपूर्ण स्वदेशी और स्वावलंबी था, वो 1858 तक आते आते दुनिया के ये 5-6 देशों की गुलामी में फंस गया। जापान का एक इलाका अमेरिका ने कब्जे में ले लिया, एक इलाके पे ब्रिटेन का कब्जा हो गया, कुछ इलाके पे डच लोग काबिज हो गए, हॉलैंडवासी काबिज हो गए, कुछ इलाके में स्पेनिश लोग काबिज हो गए। ऐसे अलग अलग देशों ने जापान के अलग अलग हिस्सों पे कब्जा कर लिया। आप जानते हैं कि जापान एक ऐसा देश नहीं है जैसे भारत है। जापान छोटे छोटे टापुओं में बसा हुआ देश है, द्वीप समूहों में बसा हुआ देश है। जैसे अभी हमारे यहां कुछ भाई बहन आए हैं अंडमान निकोबार से, अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है। पूरा जापान देश अंडमान निकोबार जैसे सैकड़ों द्वीप समूहों का मिला हुआ देश है, वो पूरी तरह से मैदानी भूमि नहीं है। तो वहां छोटे छोटे द्वीप समूहों पर विदेशियों के कब्जे हो गए, कुछ द्वीप समूह हॉलैंड वासियों के कब्जे में, कुछ ब्रिटेन के, कुछ अमेरिका के, कुछ फ्रांस के और कुछ स्पेन के, और पूरे जापान में ये गुलामी आ गई। जापान में हर वस्तु इन देशों की बिकने लगी, अंग्रेजी वस्तुएं बिकने लगी, हॉलैंड वालों की वस्तुएं वहां बिकने लगी, फ्रांसीसी वस्तुएं, अमरीकी वस्तुएं, सारे दूसरे देशों की वस्तुएं जापान में बिकने लगी। और जापान के अपने जो उद्योग धंधे चला करते थे वो धीरे धीरे उजड़ते गए, खत्म होते गए। 16वीं शताब्दी तक जापान में छोटे छोटे हजारों लाखों उद्योग चलते थे। इन विदेशियों ने आकर जापान की भूमि के छोटे स्वदेशी उद्योगों को खत्म कर दिया और विदेशी वस्तुओं का बोलबाला पूरे जापान में बढ़ता ही चला गया। तब जापान में क्रांति हुई और उस क्रांति की शुरुआत 1858 से हुई। 1858 में मेजी नाम का एक व्यक्ति जापान में निकला। जैसे हमारे देश में इस समय हम परम पूजनीय स्वामी जी को देखते हैं भारत स्वाभिमान के नेतृत्व के रूप में, सेनापति के रूप में, ऐसे ही जापान में एक व्यक्ति का उदय हुआ। उसका नाम था मेजी। 1858 में उसने जापान को संगठित करना शुरू किया और जापान के लोगों को ये एक विचार उसने देना शुरू किया कि जापान की गरीबी, जापान की भूखमरी, जापान की बेरोजगारी, जापान की आर्थिक मारामारी, ये जितनी खराबी जापान में आई है ये विदेशियों के जापान में आने से शुरू हुई है। इन विदेशियों के जापान में आने से पहले का जापान बहुत अच्छा जापान था, जैसे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले का भारत बहुत अच्छा भारत था, वैसे ही विदेशियों के जापान में प्रवेश करने के पहले का जापान बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत समृद्धशाली, स्वावलंबी, स्वदेशी जापान था। मेजी की इन बातों को जापान के लोगों ने सुना। धीरे धीरे लोगों में एक विचार पनपने लगा तो लोग पूछने लगे कि आखिर हमारी इस विदेशी गुलामी से हमको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो वो जो मेजी नाम का नेता था जापान का, जो बाद में जापान का राजा बना, शासक बना, एक तरह से राष्ट्रपति बना, उसने लोगों को समझाना शुरू किया कि बहुत आसान काम है, जापान को अगर इन विदेशियों की ताकत से आजाद कराना है तो इन विदेशियों की बिकने वाली जो वस्तुएं जापान में हैं, सबसे पहले इनका बहिष्कार करो ताकि इन विदेशियों को आर्थिक मदद हमारे देश से जो मिल रही है वो बंद हो जाए, और जब इन विदेशियों को जापान से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो जाएगी तो इन विदेशियों का जापान में रहने का दूसरा कोई लालच नहीं है, वो यहां से छोड़कर अपने आप चले जाएंगे। इनको आर्थिक ताकत जो हम दे रहे हैं वही इनको जापान में टिकाए हुए है। लोगों की समझ में ये स्वदेशी की बात आ गई और जापान में एक जबरदस्त स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। परिणाम क्या हुआ? जापान के नागरिकों ने अमरीकी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया, जापान के नागरिकों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया, जापान के नागरिकों ने हॉलैंड की डच वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया, जापानी नागरिकों ने फ्रांसीसी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया। उसी समय क्या हुआ कि जब ये जापानी लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे तो अमेरिका में, फ्रांस में और ये ब्रिटेन में और ये हॉलैंड में खलबली मच गई। इन देशों में खलबली ये मच गई कि जापान में अगर ये स्वदेशी आंदोलन चल गया और सफल हो गया तो जापानी लोग तो आजाद हो जाएंगे, हमारी गुलामी से बाहर चले जाएंगे, फिर हमारे लिए इतना बड़ा बाजार जो जापान का है ये निकल जाएगा,
तो हमें कुछ करना चाहिए। तो इन सब देशों ने मिलकर जापान को डराना शुरू किया, धमकाना शुरू किया। इन देशों ने जापान के ऊपर हमले करना शुरू किया। ये चार पांच देशों की सेना मिलकर जापान के ऊपर चढ़ बैठी और मेजी और मेजी के सहयोगियों को दबोचना इन्होंने शुरू किया और इस तरह से संघर्ष की स्थिति जापान में बनना शुरू हो गई। एक समय ऐसा आया कि जापान में स्वदेशी आंदोलन के जो समर्थक लोग थे और एक समय ऐसा आया कि ये स्वदेशी आंदोलन के सहयोगी लोग जो थे ये विदेशियों की सेना के सामने सैनिक युद्ध में हारने लगे। सैनिक युद्ध में ये हारने क्यों लगे? क्योंकि जापान के पास उस समय इतनी ताकतवर सेना नहीं थी जितनी ताकतवर सेना इन पांच देशों की थी। आप सोचिए, पांच देश एक तरफ और जापान अकेला एक तरफ, पांचों देशों की सेना एक तरफ, जापान छोटा सा टापुओं का देश वो एक तरफ। तो जापान के लोग सैनिक युद्ध में तो हारने लगे लेकिन उनके मन में जो युद्ध चल रहा था वो बहुत ताकतवर था और जापानियों ने ये तय कर लिया था कि अगर हम सैनिक रूप से हार गए और मान लो इन विदेशियों का कब्जा हमारे ऊपर फिर से हो गया तो भी हम अपने जीवन में इन विदेशियों की तो कोई वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, भले ही हमें भूखे मर जाना पड़े या बिना उस वस्तु के रह जाना पड़े। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, बहुत आश्चर्य होगा कि जापान के लोगों ने उस जमाने में अपने यहाँ खाने पीने की वस्तुएं जो बहुत कम पैदा होती थी विदेशों से लेना बंद कर दिया। अमेरिका से आया हुआ संतरा, अमेरिका से आया हुआ सेब जापान के लोगों ने खाना बंद कर दिया। विदेशों से आए हुए चावल और चीनी को जापानियों ने पूरा बहिष्कार करना शुरू कर दिया। एक एक वस्तुओं का पूरे देश में बहिष्कार होता गया और धीरे धीरे जापान के लोगों ने सैनिक युद्ध में हारने के बाद भी स्वदेशी के युद्ध में जीतना शुरू कर दिया। एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यह स्वदेशी आंदोलन जापान में चल रहा था तब उसमें जो स्वदेशी का अभियान चलाने वाले लोग थे इन लोगों ने मिलकर एक फैसला किया कि जैसे बड़े बड़े अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ये हॉलैंड देशों की कंपनियां आकर जापान में व्यापार कर रही हैं और जापान की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रही हैं, तो क्यों नहीं जापान के लोग मिलकर जापान की छोटी छोटी या बड़ी बड़ी स्वदेशी कंपनियां बनाएं और उनको आगे बढ़ाएं ताकि वो कंपनियां विदेशी कंपनियों से टक्कर ले सकें और जापान में जिन सामानों की जरूरत है उस सामान का उत्पादन करके लोगों को दे सकें। तो सबसे पहली जो जापान की स्वदेशी कंपनी बनी, जो स्वदेशी आंदोलन के गर्भ में से पैदा हुई, उसका नाम है मित्सुबिशी। आपने मित्सुबिशी का नाम सुना होगा, यह जापान की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है और जापान की यह सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनियों में एक है। जैसे हम भारत में बात करते हैं ना, टाटा सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनियों में एक है, वैसे जापान में मित्सुबिशी सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनियों में एक है। यह मित्सुबिशी कंपनी का जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन में से। जब जापान के लोगों ने यह तय किया कि कोई विदेशी माल हम नहीं खरीदेंगे, भले ही हमारे देश में वो माल ना बने, तो हमें हमारा ही बनाया हुआ सामान इस्तेमाल करना है, उसके लिए मित्सुबिशी कंपनी को इन्होंने बनाया। फिर जापानी लोगों ने देखिए क्या किया, मित्सुबिशी कंपनी में जापानी लोगों की भर्ती हुई। अब उनको टेक्नोलॉजी सीखनी थी, उनको तकनीकी सीखनी थी, क्योंकि जापान में उस जमाने में बहुत अच्छी तकनीकी नहीं हुआ करती थी। तो ये मित्सुबिशी कंपनी के इंजीनियर जो हुआ करते थे इनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। सबसे ज्यादा ये जाते थे पढ़ने के लिए जर्मनी में। जर्मनी में जाकर ये मित्सुबिशी कंपनी के इंजीनियर तैयार होते थे, पढ़कर वापस आते थे और जापान के लोगों के लिए टेक्नोलॉजी बनाते थे। इनका तरीका क्या था, जर्मनी में गए, वहां मशीनों को देखा, मशीनों को खोला, खोलने के बाद फिर वापस बंद किया, फिर खोला, फिर बंद किया, इतने में मशीन बनाना सीख लेते थे और वापस आकर वैसी की वैसी ही मशीन बना देते थे जो जर्मनी में उन्होंने खोलकर देखी होती थी। इस तरह से जापान में मशीनरी का निर्माण शुरू हुआ, इस तरह से उन्होंने तकनीकी का अपने देश में बढ़ावा देना शुरू किया। तकनीकी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मित्सुबिशी कंपनी के नीचे काम करने वाली छोटी कंपनियों की संख्या बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि मित्सुबिशी एक बड़ी कंपनी, उसके नीचे छोटी छोटी सैकड़ों सैकड़ों छोटी छोटी दूसरी कंपनियां। फिर इसी तरह से जापान में याशिका निकला, फिर और कंपनियां निकली, फिर धीरे धीरे फैलता गया और एक समय जापान में ऐसा आया कि अमरीका और ब्रिटेन
और हॉलैंड और फ्रांस और रूस, इन पांचों देशों की कंपनियां जो जापान में पैदा करती थी उससे बेहतर सामान जापानी कंपनियों ने बनाना और सस्ती कीमत पे बनाना शुरू कर दिया और इन कंपनियों को जापान के बाजार में जापानियों ने बुरी तरह से पीट दिया। और उसके बाद ये सारी की सारी कंपनियां एक एक करके जापान से निकलती गईं और धीरे धीरे जापान जो है बेहतर होता चला गया और जापान आज सारी दुनिया के सामने जो खड़ा है ये स्वदेशी आंदोलन में से पैदा हुआ जापान है। आज का जो जापान है ये सारी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है, हैरानी का विषय है। सारी दुनिया के लोग कहते हैं कि जापान के लोगों ने तकनीकी सीखी लेकिन वो जापानी भाषा में सीखी। वो जर्मनी गए, थोड़े लोगों ने जर्मन सीखकर तकनीकी सीखी, उसको वापस लाकर जापानीज भाषा में भाषांतर किया और उसके बाद हजारों लाखों करोड़ों लोगों को सिखा दिया और इसमें से जापान बढ़ गया और इसमें से जापान निकल गया। फिर धीरे धीरे इन विदेशियों के प्रभाव को जापान ने अपनी शक्ति से, जो आर्थिक शक्ति थी, कम किया और आज जापान सारी दुनिया में स्वदेशी स्वावलंबी देश के नाम पर खड़ा हुआ है। एक जमाने का जापान जो पूरी तरह से विदेशी ताकतों के नीचे दबा हुआ था आज पूरी ताकत से विदेशियों के सामने सीना ठोक कर खड़ा हुआ है। अभी तो ये हैरानी होती है सारी दुनिया के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, अर्थव्यवस्था चलाने वाले जो नेता होते हैं उनको, कि जापान ने मात्र 1858 से 2009 के बीच में इतनी तेजी से तरक्की की। आपको मालूम है जापान की जनसंख्या भारत के कई राज्यों की जनसंख्या से कम है। जापान की जो कुल जनसंख्या है वो भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है। उत्तर प्रदेश जो है ना जनसंख्या में जापान से बड़ा है और क्षेत्रफल में देखा जाए तो भी उत्तर प्रदेश जापान से बड़ा है। जापान का क्षेत्रफल भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश से कम है, जापान की जनसंख्या भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश से कम है, लेकिन जापान अभी आर्थिक ताकत में सारी दुनिया में अमेरिका को टक्कर दे रहा है और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को जापानी कंपनियों ने खरीद लिया है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़े पैमाने पर जापान का कब्जा हो गया। अभी उनके यहाँ आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जमीन अच्छी नहीं है। मैंने कहा ना जापान टापुओं का देश है, जमीन अच्छी नहीं है, बीच बीच में जमीन है, बाकी समुद्र है, दलदली जमीन है, खाने के लिए कोई बहुत अच्छा पैदा नहीं हो सकता, सिवाय चावल के दूसरी बहुत खेती कोई हो नहीं पाती वहां पर। और चावल भी जो जापान में पैदा होता है वो कोदो किस्म का चावल होता है। हमारे ये पहाड़ में उत्तराखंड में एक कोदो नाम का चावल होता है, आसाम में भी होता है, उधर और उत्तर पूर्वी दूसरे राज्यों में भी कोदो होता है। कोदो के अलावा दूसरा कोई चावल पैदा नहीं होता जापान में। कोदो से ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का चावल दुनिया के कई दूसरे देशों में पैदा होता है। किसी भी जापानी को आप पूछेंगे इस समय कि आप कोदो चावल खाते हैं, हां खाते हैं, क्वालिटी में तो बहुत अच्छा नहीं है, हां बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर क्यों खाते हैं? किसी भी जापानी से बात करिए वो बोलेगा कि हां हम कोदो चावल खाते हैं, हमारा चावल क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं है, दुनिया के कई देशों के पास हमसे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का चावल है, जैसे भारत में बासमती पैदा होता है वो दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो उन जापानियों से आप पूछेंगे भारत से बासमती चावल खरीद के क्यों नहीं खाते। इसी तरह से जापान में अच्छे फल पैदा नहीं होते हैं तो दुनिया के दूसरे देशों में बहुत अच्छे फल पैदा होते हैं तो जापानियों से पूछिए दूसरे देशों से खरीद कर फल क्यों नहीं खाते हैं। आपको मालूम है जापान में चरागाह नहीं है, गाय बैल भैंस पाल नहीं सकते क्योंकि चरागाह ज्यादा नहीं है, तो दूध की व्यवस्था नहीं है। तो जापानी लोग चाय भी पीते हैं ना तो बिना दूध की पीते हैं। तो जापानियों से अगर हम ये पूछें कि दूसरे देशों से दूध क्यों नहीं खरीद लेते अपनी चाय में डालने के लिए तो वो सारे जापानी एक ही एक जवाब देते हैं कि कोई चीज हमारे देश में कम क्वालिटी की है, कोई चीज हमारे देश में घटिया क्वालिटी की है, या कोई चीज हमारे देश में सबसे रद्दी क्वालिटी की है, फिर भी हम उसी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो स्वदेशी है, क्योंकि वो स्वदेशी है, क्योंकि वो स्वदेशी है। ये जो स्वदेशी की भावना है ये किसी देश को बनाती है और बहुत आगे बढ़ाती है। जापान के बारे में एक आखिरी और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। जब ये क्रांति शुरू हुई जापान में सन 1858 में, उस समय जापान में पूंजी की बहुत कमी थी, पैसा नहीं था उनके पास,
कैपिटल नहीं था उनके पास। आप जानते हैं कोई भी उद्योग बनाना हो और किसी भी उद्योग को चलाना हो तो चार चीजें उसमें चाहिए। एक तो चाहिए पूंजी, जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा चाहिए श्रम, माने जो हमारे मजदूर हैं। तीसरा चाहिए हमें संसाधन, जिसको हम अंग्रेजी में रॉ मटेरियल कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं। और चौथी चाहिए हमारे देश की वातावरण, कानून और व्यवस्था की अनुकूलता। ये चार चीजें एक साथ हों तब कहा जाता है कि किसी देश में उद्योग का विकास होता है। अब जापान की कमनसीबी देखिए कि जापान ने जब ये क्रांति शुरू की, स्वदेशी क्रांति, और उन्होंने विदेशियों के कब्जे से अपने देश को आजाद कराने की मुहिम चलाई, उस समय जापान में कुछ नहीं था, उनके पास संसाधन नहीं थे। जापान में अगर प्राकृतिक संसाधन आप देखेंगे ना, तो दो तीन चीजें ही उनके देश में हैं जो पैदा होती हैं। एक तो कोयला पैदा होता है, भरपूर मात्रा में जापान में कोयला पैदा होता है, जो प्रकृति ने उनको दिया है, ईश्वर ने उनको दिया है। दूसरा, जापान में बहुत बड़े पैमाने पर सिल्क का उत्पादन होता है, हजारों वर्षों से होता है। तो सिल्क और कोयले को छोड़कर 1858 में तो जापान के पास कुछ उत्पादन भी नहीं था। दो ही चीजें होती थी, या तो कोयला होता था या तो सिल्क उनके पास होता था। दूसरे रॉ मटेरियल उनके पास नहीं थे, पूंजी उनके पास नहीं थी। तो पूंजी नहीं थे, रॉ मटेरियल नहीं थे, और विदेशियों की गुलामी में पूरा देश था, तो कानून और न्याय और सारी व्यवस्थाएं उनके अनुकूल नहीं थी। जापानियों के पास एक ही चीज थी। जब भी किसी जापानी अर्थशास्त्री को आप यह पूछेंगे कि 1858 की आपकी क्रांति सफल कैसे हुई, आपके पास तो कुछ नहीं था, ना पूंजी थी, ना संसाधन थे, ना रिसोर्सेस थे आपके पास, ना अनुकूल वातावरण था, ना कानून व्यवस्था आपके हाथ में थी, फिर भी जापान को आपने ऐसा बना लिया, तो वो सारे के सारे अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री जापान के एक ही जवाब देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन हमारे पास आत्मविश्वास था, हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि हम हमारे देश को आजाद कराएंगे विदेशियों से और एक दिन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। बस इसी आत्मविश्वास ने हमको सब कुछ दे दिया, हमारे पास कुछ नहीं था। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। जिस देश के पास कुछ ना हो, प्राकृतिक संसाधन ना हो, कुछ ना हो, वो देश आत्मविश्वास के सहारे, अपनी ताकत के सहारे कितनी दूरी चलता है और कहां पर आकर खड़ा होता है। एक छोटा सा उदाहरण देके ये खत्म करूंगा, फिर दूसरे देश की कहानी सुनाऊंगा। जापान में जब ये मित्सुबिशी कंपनी बनी तो कंपनी के सामने भी यही संकट था, पूंजी नहीं है। कंपनी का फॉर्मेशन तो हो गया, कई आत्मविश्वासी जापानियों ने मिलकर कंपनी तो बना ली, लेकिन पूंजी कहां से लाएं कंपनी चलाने के लिए। तो जापान के जो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी थे ना, इन्होंने एक संकल्प लिया कि हम कहीं से बाहर से भीख मांगेंगे नहीं, किसी से उधार लेंगे नहीं, किसी से कर्ज लेंगे नहीं, और फिर भी हम इस कंपनी को आगे लेके जाएंगे और चलाएंगे। तो इन लोगों ने पता है रास्ता क्या निकाला? इन्होंने रास्ता यह निकाला कि पूंजी तो पैदा हो सकती है अगर अतिरिक्त श्रम हमारे पास हो। यह अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर सरप्लस लेबर आपके पास है तो सरप्लस लेबर से आप पूंजी को पैदा कर सकते हैं। तो जापानी जो कारीगर होते थे, जापानी जो मजदूर होते थे, उन्होंने कंपनी में काम करना शुरू किया। तो पता है उनको एक दिन में 6 घंटे का काम करना पड़ता था, उन्होंने कहा हम 12 घंटे काम करेंगे और तनख्वाह उतनी ही लेंगे, पगार उतनी ही लेंगे, वेतन उतना ही लेंगे, 6 घंटे का वेतन लेंगे, 12 घंटे काम करेंगे। आप सोच रहे हैं, 6 घंटे का वेतन लेंगे, 12 घंटे काम करेंगे, 4-5 घंटे का वेतन लेंगे, 12 घंटे काम करेंगे, माने अतिरिक्त श्रम करेंगे। और सारे जापान के मजदूरों ने पूरे देश के छोटे छोटे बड़े बड़े कारखानों में इस उद्देश्य से काम करना शुरू किया कि हमारे देश के पास पूंजी नहीं है, हमें पूंजी पैदा करनी है, विदेशों से हमें हाथ फैला के भीख मांगनी नहीं है, कर्ज किसी से लेना नहीं है, हम अपने श्रम का बलिदान करेंगे, श्रम का उपयोग करेंगे, ज्यादा देर से श्रम करेंगे, 6 घंटे का काम 12 घंटे और 13 घंटे 14 घंटे, कई कई फैक्ट्रियों में तो लोग 16-16 घंटे काम किया करते थे, तनख्वाह और वेतन सिर्फ 6 घंटे का लिया करते थे, इसमें से पूंजी पैदा हुई। और ध्यान रखिएगा, यह काम जापान के मजदूरों से किसी ने जबरदस्ती नहीं कराया, अपनी स्वयं प्रेरणा से और भावना से उन्होंने यह काम किया।
जापान का नेता आप सोचिए कितना तेजस्वी रहा होगा, कितना चमत्कारी रहा होगा, जिसका नाम मेजी मैंने आपके सामने लिया, जिसने जापान के लोगों में इतनी भावना भर दी कि दूसरों से भीख मांगने से अच्छा है हम ज्यादा मेहनत करके पूंजी बनाए। तो 6 घंटे का वेतन लेके 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम किया और इसमें से मित्सुबिशी कंपनी ने पूंजी पैदा की और उस पूंजी को फिर उन्होंने गुणात्मक रूप से मल्टीप्लाई किया और धीरे धीरे जापान आज दुनिया में सबसे ज्यादा तरल पूंजी वाला देश बन गया। अभी सारी दुनिया के अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि अमेरिका के बाद दुनिया में किसी देश के पास सबसे ज्यादा तरल पूंजी है, जिसको लिक्विडिटी कहते हैं, वो जापान के पास ही है। और अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंकें जापान के कब्जे में हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां अमेरिका में जापान के कब्जे में है। और इस समय अमेरिका की हालत तो बहुत खराब हो चुकी है। अगर आपको एक वाक्य में मैं कहूं कि अमेरिका के डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर चीन का कब्जा है और अमेरिका की फाइनेंशियल जो बैकबोन है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है वैयक्तिक और आर्थिक रूप से, उस पर पूरी तरह से जापान का कब्जा है। तो ऐसा जब स्वदेशी आंदोलन किसी देश में चलता है तो कहां से कहां किसी देश को ले जाता है। आज जापानियों को गर्व है इस बात पर कि वो जापानीज भाषा में काम करते हैं, सारी शिक्षा जापानीज में होती है, जापान की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जापानी सभ्यता और संस्कृति को एक इंच भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। जापानी संस्कृति में आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। ज्यादा पवित्र जाता है जमीन पर, उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। जापानी संस्कृति में माना यह जाता है कि लकड़ी के बर्तनों में खाना सबसे पवित्र होता है। आप जानते हैं भारत में भी साधु सन्यासी लकड़ी के पात्रों में ही भोजन करते हैं। जापान की संस्कृति में यह है कि लकड़ी के पात्र में ही भोजन करना सबसे पवित्र है। तो जापान के करोड़पतियों के घरों में लकड़ी का कटोरा मिलेगा, लकड़ी का गिलास मिलेगा, लकड़ी की चम्मच मिलेगी और घर में खाना बनाने के लिए जो थोड़े बहुत उपकरण लगते हैं वो भी सारे लकड़ी के ही मिलेंगे। आप किसी बड़े से बड़े जापानी के घर में जाएंगे, बैठने को कुर्सी नहीं मिलेगी, सोफा नहीं मिलेगा, सोने के लिए डबल बेड नहीं मिलेगा और आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप गरीब हैं जो ये सोफा नहीं खरीद सकते, या आप जो है डबल बेड नहीं ले सकते, या डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा नहीं सकते, तो वो आपको बहुत तेज गुस्सा होकर, हो सकता है गाली में भी आपसे बात करे और वो कहेगा कि हम ये सब कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृति में इसकी इजाजत नहीं। तो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। जापानी लोग जानते हैं बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, उस बौद्ध धर्म का पालन वो आज से नहीं हजारों वर्षों से अपने देश में करते आए। तो ना धर्म छोड़ा, ना संस्कृति छोड़ी, ना भाषा छोड़ा, ना उन्होंने अपना पहनावा छोड़ा, ना उन्होंने स्वदेशीपन छोड़ा, ना उन्होंने देशभक्ति छोड़ी अपनी। सब कुछ उनके यहां खून में, रग रग में बसा हुआ है। कारण उसका एक है कि जापान के विद्यार्थियों को बचपन से जो शिक्षा दी जाती है उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण पाठ है जो सिखाया जाता है। जापानी होना क्या है, जापानी भाषा का महत्व क्या है, जापानी संस्कृति का महत्व क्या है, जापानी सभ्यता का महत्व क्या है, ये बच्चे वहां पहली कक्षा से सीखते हैं। और उनको पहली कक्षा से जब ये सब बातें बार बार सिखाई जाती हैं तो बड़े होकर उनमें जापान की भावना कूट कूट कर अपने आप आ जाती है। इसलिए वो कभी देशद्रोह नहीं करते और वो कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करते। जापान में इतना शर्म माना जाता है किसी व्यक्ति के लिए कि अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार का थोड़ा बहुत कोई मामला खुल जाए तो। सामान्य रूप से आपने अगर अखबार पढ़े हो, समाचार पत्र पढ़े हो, तो पता चलता है कि जापान का कोई नेता थोड़े भी भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त पाया गया और उसकी बात अखबार में गलती से भी छप गई, अगले दिन वो आत्महत्या ही कर लेगा, इससे कम पे वो समझौता नहीं करेगा। और उनका कहना यह है कि मेरे देश की बदनामी हो उससे बेहतर यह है कि मैं खुद देश के लिए मर जाऊं।
कितने प्रधानमंत्री वहां आत्महत्या कर चुके हैं। बाद में इंक्वायरी हुई, कमीशन बिठाए गए तो पता चला वो बात गलत थी, लेकिन वो आत्मसम्मान बचाने के लिए आत्महत्या तो कर ही लेते। ऐसा जापान बना स्वदेशी आंदोलन के गर्भ में से निकल के, जो स्वदेशी आंदोलन वहां 1858 में चला। तो मेरा मानना है कि जब जापान जैसा देश, जो जनसंख्या में हमसे बहुत छोटा, क्षेत्रफल में हमसे बहुत छोटा, संसाधनों में हमसे बहुत कम, सभ्यता और संस्कृति में शायद हमसे कम पुराना, हमारी सभ्यता और संस्कृति तो उनसे कई हजार गुना ज्यादा साल पुरानी है, इन सब चीजों में हमसे कम होने पर भी जापान अगर सफल हो सकता है, स्वदेशी आंदोलन को चला सकता है, अपने देश को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बना सकता है, तो भारत देश में भी अपना अभियान जो भारत स्वाभिमान का है ये जरूर सफल होगा, क्योंकि हमारे पास तो ताकत में जापान से कई गुना ज्यादा संसाधन है, जापान से कई हजार गुना ज्यादा पुरानी संस्कृति और सभ्यता और हमारी परंपरा है, जापान से कई हजार गुना ज्यादा लोग हमारे देश में हैं जो इस अभियान में लगने की तैयारी में है, और जापान से कई हजार गुना ज्यादा सामूहिक रूप से लोगों का आत्मविश्वास हमारे पास है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत स्वाभिमान का तो जरूर सफल होने वाला है आने वाले समय में। हम सारे देश के सामने और दुनिया के सामने ये कहूंगा, ये उसकी डायरी के वाक्य हैं, शब्द हैं। और उसने लूटमार शुरू की, लूटमार करके धन और संपत्ति स्पेन लाना शुरू किया। इस लूटमार में माया सभ्यता के लोगों के साथ उसका संघर्ष हुआ, और फिर माया सभ्यता के लोगों को निर्दयता से मारना शुरू किया कोलंबस और उनके लोगों ने। अगर आप पूछेंगे कि ये स्पेनिश लोगों ने अमेरिका में जब लूटपाट की तो कितने लोगों को मारा होगा, ब्रिटिश लोगों ने जब अमेरिका में लूटपाट की तो कितने लोगों को मारा होगा, तो अमेरिका के इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 11 करोड़ अमरीकी मूल नागरिकों को स्पेनिश और ब्रिटिश लोगों ने खत्म कर दिया, मार डाला, हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया। 11 करोड़, आप सोच सकते हैं, 11 करोड़ की जनसंख्या को हमेशा के लिए मार डाला। ये इतनी हत्या, इतनी हिंसा, इतनी बर्बरता स्पेनिश और ब्रिटिश लोगों ने अमेरिका में की। तो काफी समय तक स्पेन का गुलाम था अमेरिका, बाद में ब्रिटेन का गुलाम हो गया अमेरिका, और ब्रिटेन ने जब कब्जा कर लिया अमेरिका पर, तो अमेरिका में ब्रिटेन की एक ही नीति थी, लूट लूट कर सारा धन इकट्ठा करो और ब्रिटेन में लेके जाओ। तो ब्रिटेन की सरकार जब चलती थी अमेरिका में, तो ये अमेरिका के नागरिकों के ऊपर जब चाहे तब टैक्स बढ़ाती रहती थी। एक बार ऐसा हुआ, सन 1765 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका के नागरिकों पर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। आप जानते हैं जैसे भारत में अंग्रेज टैक्स लेते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, वैसे ही अमेरिका के लोगों पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लेना शुरू कर दिया, और बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिए। परिणाम क्या हुआ, अमरीकी लोग परेशान हो गए। परेशानी क्या होती है, जब नागरिकों पर टैक्स ज्यादा लगाए जाते हैं तो सबसे पहला दुष्परिणाम आता है कि नागरिक गरीब होना शुरू हो जाते हैं। सरकार तो अमीर होती जाती है, सरकार को तो पैसा मिलता जाता है टैक्स से, लोग गरीब होते जाते हैं, तो अमेरिका में गरीबी आना शुरू हो गई। फिर अमेरिका के किसानों पर जबरदस्ती टैक्स लगाए गए, फिर अमेरिका के किसानों में गरीबी आना शुरू हो गई। फिर मजदूर और किसान जब दोनों गरीब होने लगे, तो अमेरिका के जो उद्योग चलते थे उन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और उद्योगों की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। तो अमेरिका के लोगों में भयंकर असंतोष पैदा हुआ। असंतोष दो तरह का था, एक तो अंग्रेज सरकार उनके ऊपर जुल्म करती है, ज्यादती करती है, अत्याचार करती है, दूसरा उनके सारे धन और संपत्ति को टैक्स के रूप में लूट लूट कर लंदन लेके जाते हैं। तो अमेरिका में एक व्यक्ति निकला, उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। उस जॉर्ज वॉशिंगटन नाम के व्यक्ति ने अमेरिका में घूम घूम कर लोगों को यह समझाना शुरू किया कि देखो, पहले स्पेनिश लोगों ने हमको गुलाम बनाया और उन्होंने हमको लूटा लगभग 300 साल तक, अब इन अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना रखा है और ये लूट लूट कर सारा धन इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं, हम गरीब होते जा रहे हैं, हमारे किसान गरीब होते जा रहे हैं, हमारे उद्योग धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, क्योंकि हमारे उद्योगों पर ज्यादा टैक्स लगा दिए हैं अंग्रेजों ने, तो अब हम कितने दिन तक ये बर्दाश्त करेंगे, कितने दिन हम इसको चलते रहने देंगे, कभी ना कभी तो हमें आजादी पानी होगी, इन अंग्रेजों को अपने देश से भगाना होगा। यह विचार लेकर जॉर्ज वॉशिंगटन नाम का एक व्यक्ति निकला,
गांव-गांव घूमा। अमेरिका में उस जमाने में 13 राज्य हुआ करते थे, एक वर्जीनिया होता था, एक मैरीलैंड हुआ करता था, ऐसे 13 राज्य हुआ करते थे। ये पूरे राज्यों में घूमा, घूम घूम कर उसने संगठन खड़ा किया। संगठन खड़ा करके ताकत उसके हाथ में आई, और जैसे ही उसके हाथ में ताकत आई, माने संगठन की ताकत खड़ी हुई, उसने ऐलान कर दिया। और 1775 के साल में जॉर्ज वॉशिंगटन ने ऐलान कर दिया कि अब हम अंग्रेजों की गुलामी में नहीं रहेंगे और अपने देश को हम आजाद करा के ही रहेंगे। उसने एक डिक्लेरेशन किया और उस डिक्लेरेशन पर पूरी अमरीकियों की मोहर लगी, अमरीकियों ने उसको समर्थन दिया। और उसका वो घोषणा था वो ये कि आज से हम अमेरिका, माने उत्तरी अमेरिका, अंग्रेजों की गुलामी से अपने को आजाद घोषित करते हैं, और जहां जहां अंग्रेजों की सेना है और जहां जहां अंग्रेजों के प्रतिष्ठान है, इन सबको या तो हम बंद कराएंगे या इन अंग्रेजों को अपने देश में से मारकर भगाएंगे। तो 1776 से 4 जुलाई को उसने घोषणा कर दी जॉर्ज वॉशिंगटन ने, और अमेरिका के लोगों ने उसको समर्थन दिया। उसके बाद 1776 4 जुलाई से 1 अक्टूबर 1781 तक अमेरिका में भयंकर घमासान चला, बहुत घमासान चला, भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ अमेरिका के लोगों की सेना, दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना, जगह जगह युद्ध हुए। अगर आप थोड़ा भी इतिहास पढ़ते होंगे और इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में एक बड़ी घटना बताई जाती है, बोस्टन टी पार्टी। वो बोस्टन टी पार्टी क्या थी? बोस्टन नाम का एक शहर है, वहां पर अमरीकियों ने, अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी छावनी हुआ करती थी, उसमें आग लगा दी थी और अंग्रेजी सेना के सैनिकों को मार डाला था अमरीकी लोगों ने, और अमरीकी साधारण लोगों ने यह काम किया था। और उसके बाद फिर वहां से यह सारा युद्ध फैलता चला गया, और 1781 तक आते आते सारे अंग्रेजों का नामो निशान अमरीकियों ने मिटा दिया, और एक तरह से अमरीका पूरी तरह से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। जब अमरीका आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, तो सबसे पहला काम उन्होंने जो अपने देश में किया वो ये कि अंग्रेजों की वस्तुओं का संपूर्ण बहिष्कार और अमरीकी वस्तुओं का संपूर्ण रूप से स्वीकार। आपको सुनकर हैरानी होगी, जब 1776 में यह आंदोलन चल रहा था अमेरिका में, आजादी का आंदोलन, उसका मूल सिद्धांत था स्वदेशी, मूल भावना थी स्वदेशी। अमरीकियों को यह संकल्प कराया जाता था, जॉर्ज वॉशिंगटन खुद बड़ी बड़ी सभाएं करता था और सभा में हाथ उठाकर सबसे संकल्प कराता था कि हम संकल्प करते हैं कि आज से अंग्रेजी वस्त्रों का संपूर्ण बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमें अमेरिका की आजादी चाहिए, और लोग हाथ उठा के समर्थन करते थे। आपको सुनकर एक ताज्जुब होगा, हैरानी भी होगी, अमेरिका बहुत ठंडा देश है, वहां पे सर्दी बहुत पड़ती है, और 1776 में अमेरिका की हालत इतनी खराब थी कि अमेरिका में एक भी बड़ी स्वदेशी कपड़ा बनाने की मिल नहीं थी। उनको कपड़े चाहिए क्योंकि ठंड से शरीर को बचाना है, और गर्म कपड़े चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। तो गर्म कपड़े ज्यादातर इंग्लैंड से बनकर आते थे, और गर्म कपड़े ज्यादातर अंग्रेजी कंपनियां बेचती थी अमेरिका में। जॉर्ज वॉशिंगटन ने जब यह स्वदेशी का अभियान चलाया अपने देश में, तो अमरीकियों में इतनी भावना पैदा हुई कि गर्म कपड़े उनको अगर अमरीकी ना मिले तो पहनेंगे नहीं, भले ठिठुर ठिठुर कर ठंड से मर जाएंगे, इतनी भावना उनमें पैदा हुई। हजारों अमरीकी ठंड से ठिठुर कर मर गए सड़कों पर, क्योंकि उनके शरीर पर गर्म कपड़े नहीं थे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि अंग्रेजी कंपनियों के कपड़े पहनेंगे नहीं, खरीदेंगे। तो अंग्रेजी कंपनियों के जो स्टोर्स खुले हुए थे अमेरिका में, धीरे धीरे सब बंद हो गए। लंकाशायर और मैनचेस्टर की जो मिलें चला करती थी, जो अमेरिका में कपड़ों की सप्लाई किया करती थी, वो धीरे धीरे बंद होती चली गई, और धीरे धीरे ब्रिटेन का सारा कब्जा अमेरिका पे से खत्म होता गया और अमेरिका एक आजाद देश हो गया। अब अमेरिका सारी दुनिया के सामने एक स्वावलंबी देश के रूप में खड़ा है। इस अमेरिका की कहानी स्वदेशी आंदोलन में से निकली हुई एक कहानी है, जिसने अपने को आजाद कराया विदेशी गुलामी से और आर्थिक परतंत्रता से। इस अमेरिका की कहानी को पढ़ते समय, जानते समय, सुनते समय बहुत रोमांच होता है कि किस
तरह से देश के लोगों में एक भावना प्रबल हो जाती है, एक व्यक्ति कोई निकलता है, वो एक विचार देता है और उस विचार में इतनी ताकत हो जाती है कि लाखों करोड़ों लोग उस विचार के अनुयायी हो जाते हैं और उस विचार के लिए अपने सारे शरीर के सुख को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। आज अमरीकी लोगों से कोई कहे कि गर्म कपड़े पहनना छोड़ दो तो शायद उनको सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इन्हीं अमरीकी लोगों के पुरखों ने, पूर्वजों ने 1776 में ठंड से ठिठुर कर मरना पसंद किया था, लेकिन अंग्रेजी गर्म कपड़े पहनना मंजूर उन्होंने नहीं किया था। मतलब इस पूरी कहानी में से भी एक बात ही निकलती है कि जब देश के लोग संकल्प कर लेते हैं और आत्मविश्वास उनमें आ जाता है तो बड़ी से बड़ी लड़ाई वो जीत लेते हैं और बड़े से बड़े व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलनों को वो सफल बना देते हैं। इसी तरह एक देश है फ्रांस, उसमें भी ऐसी ही एक क्रांति हो चुकी है। 1788 में फ्रांस में अचानक से क्या हुआ, बर्फ बहुत पड़ गई, पाला बहुत पड़ गया तो फसल बर्बाद हो गई। आप जानते हैं ये फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश हैं, ये बहुत ठंडे देश हैं, साल में 6-8 महीने यहां बर्फ पड़ती रहती है और बहुत भयंकर बर्फ पड़ती रहती है और कभी कभी बर्फ ज्यादा लंबी चल जाए तो उनके खेतों में सब कुछ खत्म हो जाता है, फसल बर्फ में दब जाती है, उत्पादन कुछ नहीं हो पाता। एक बार ऐसा फ्रांस में हो गया, 1788 के साल में फ्रांस की बर्फबारी ने उनकी पूरी खेती को चौपट कर दिया, खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब खेती बर्बाद हो गई तो उनके यहां आर्थिक रूप से परेशानियां शुरू हो गई। दूसरी एक बात और हुई कि फ्रांस ने 1776 से 1781 के बीच की जो क्रांति चली थी अमेरिका में, इस क्रांति में फ्रांस ने अमेरिका की बहुत मदद की थी। अमेरिका से मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन की बहुत मदद की थी। जॉर्ज वॉशिंगटन जो स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा नेता था अमेरिका का, उसको मदद की जरूरत थी तो फ्रांस ने उसको मदद की थी, क्योंकि फ्रांस हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ रहा है, ब्रिटेन के खिलाफ रहा है, तो ब्रिटेन का कब्जा था अमेरिका पे, तो ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस ने मदद की थी इनकी, अमरीकियों की स्वदेशी आंदोलन में। तो फ्रांस का बहुत सारा पैसा अमरीका में चला गया था। अचानक से 1788 में अकाल की, पाले की स्थिति आ गई तो खेतों में सब बर्बाद हो गई, फसल कुछ बचा नहीं। तो फ्रांस का उस समय जो राजा था उसका नाम था लुई, LUI, लुई, लुई 16वां उसका नाम था, लुई 16th उसको कहा करते थे। तो उसको समझ में नहीं आया क्या किया जाए। आर्थिक रूप से देश कमजोर हो गया था क्योंकि अमेरिका को बहुत मदद की थी इन्होंने पैसे से, और इधर खेती पूरी बर्बाद हो गई, चौपट हो गई। तो लुई ने एक रास्ता निकाला और वो थोड़ा भारी पड़ गया। रास्ता ये निकाला कि उद्योगों के ऊपर टैक्स लगा दो अब ज्यादा पैसे और लाने के लिए, क्योंकि खेती में से कुछ मिलेगी नहीं आमदनी और काफी पैसा अमेरिका में खर्च हो चुका है, तो उद्योगों पर उसने ज्यादा टैक्स लगा दिए। उद्योगों ने क्या किया कि वो टैक्स जनता पर ट्रांसफर कर दिए। आप जानते हैं किसी भी उद्योगपति पर टैक्स लगाया जाए तो उद्योगपति टैक्स थोड़ी देता है, वो तो नागरिक है जो उसका माल खरीदता वो टैक्स देता है। आप उद्योगों पर जितने टैक्स बढ़ाते हैं अंत में वो सारे टैक्स जो है ना वो जनता के ऊपर ही आते हैं। उद्योगपति वो टैक्स लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं, कैसे, वो वस्तुओं की कीमत बढ़ा देते हैं। अगर कोई वस्तु 10 रुपए की है, सरकार ने उस पर टैक्स बढ़ा दिया, वो वस्तु 20 रुपए की हो गई, 30 की हो गई, 50 की हो गई, तो टैक्स तो जनता को देना पड़ता है। तो लुई 16वें राजा ने फ्रांस में टैक्स तो उद्योगों पे लगाया लेकिन उद्योगपतियों ने वो सारा टैक्स जनता के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वस्तुएं बहुत महंगी हो गई और महंगाई फ्रांस में बहुत ज्यादा बढ़ गई। महंगाई जैसे ही बढ़ी तो लोगों की गरीबी बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि आप जानते हैं ये महंगाई और गरीबी चोली दामन का साथ है। महंगाई और गरीबी एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। अगर महंगाई तेजी से बढ़ेगी तो गरीबी और तेजी से बढ़ेगी। वो ऐसे समझ लीजिए कि कल तक कोई वस्तु आपको 10 रुपए में मिला करती थी, अब वही वस्तु आपको 50 रुपए में मिलने लगी तो आपकी जेब से 40 रुपए अधिक जाने लगे जिस वस्तु के लिए, माने आप 40 रुपए से गरीब होना शुरू हो गए उस वस्तु के लिए। तो जैसे ही महंगाई बढ़ी तो गरीबी बढ़ी, और गरीबी महंगाई बढ़ने से फ्रांस में असंतोष बढ़ा और वो असंतोष धीरे 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 बढ़ता गया और लुई 16वें राजा के खिलाफ ये सारा असंतोष इकट्ठा हो गया और इस असंतोष ने एक संगठन का निर्माण कर दिया और उस संगठन में कुछ नेता निकले और उन नेताओं ने सारे देश में घूम घूम कर ये कहा
कि ये जो लुई 16वां राजा है, इसकी गलत नीतियों के कारण, इसकी गलत व्यवस्था के कारण, इसके गलत कानूनों के कारण फ्रांस का ये हाल हुआ है। गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। इसने अगर अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से संभाला होता, ठीक तरह से चलाया होता, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। धीरे धीरे ये विद्रोह बढ़ा, विद्रोह इतना ज्यादा संघीभूत हो गया कि क्रांति हो गई पूरे फ्रांस में। और 1788 में क्या हुआ, लुई 16वें राजा का तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट होने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया और साधारण लोगों ने मिलकर उसका सिर काट दिया, राजा को मार दिया। राजा को मार दिया जब लोगों ने, फिर लोगों ने मिलकर एक संकल्प लिया कि आगे भविष्य में हम किसको राजा बनाएंगे। तो लोगों ने कहा कि एक आदमी को अब राजा नहीं बनाएंगे, अब हम हमारे देश में प्रजातंत्र लाएंगे। तो प्रजातंत्र की बात उस आंदोलन से शुरू हुई। पहले राजा होता था एक, और वो राजा कैसे होता था, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसे करके ये लुई खानदान का शासन सैकड़ों साल से चल रहा था। लुई पहला, लुई दूसरा, लुई तीसरा, लुई चौथा, फिर लुई 15वां, लुई 16वां, ऐसे करके बाप बेटा इस तरह से परंपरा में था। तो फ्रांसीसी लोगों ने कहा कि ये बाप बेटे राजा होते रहते हैं, एक ही खानदान का शासन पूरे देश में चलता रहता है, दूसरों को किसी को मौका नहीं मिलता, अब हम हमारे शासन पद्धति को बदलेंगे। तो लुई 16वें की हत्या होने के बाद फ्रांसीसी लोगों ने तय किया कि हम प्रजातंत्र लाएंगे और जनता के द्वारा राजा को चुनवाएंगे, जनता सीधे राजा को चुनेगी। अब तक क्या होता था, राजा अपने बेटे को राजा बना देता था, जनता का उसमें कोई सहभाग नहीं होता था। तो उन्होंने कहा अब जनता राजा को चुनेगी। तो इस तरह से 1788 में इस क्रांति के बाद फ्रांस में एक तरह से प्रजातंत्र आ गया और जनता ने सीधे प्रधानमंत्री को चुनना शुरू कर दिया, जो परंपरा आज तक फ्रांस में कायम है। 1788 के बाद फ्रांस में जितने भी प्रधानमंत्री हुए या राष्ट्रपति हुए, वो सब सीधे जनता के द्वारा चुने गए हैं। वो राजाओं के बेटे राजा इसलिए राजा नहीं बन गए। दूसरा, फिर उन्होंने तय किया कि हमारे देश में जब राजाशाही रही फ्रांस में, तो जो राजा के नजदीक लोग थे उनको तो सारी सुख सुविधाएं मिल जाती थी, जो आम आदमी था उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। आपको सुनकर हैरानी होगी, 1788 तक फ्रांस में साधारण बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल नहीं था। 1788 तक फ्रांस में जो भी स्कूल चलते थे वो राजा के बच्चों के लिए होते थे या राजा के काम करने वाले अधिकारियों के बच्चों के स्कूल होते थे। तो लोगों ने कहा कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले परम पूजनीय स्वामी जी आप कहते थे क्या गरीब क्या अमीर, सबको एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। ये बात 1788 में फ्रांस में शुरू हुई कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए और शिक्षा का अधिकार सभी के लिए होना चाहिए। इसी तरह चिकित्सा सबको मिलनी चाहिए और चिकित्सा का अधिकार सभी को होना चाहिए। सभी बराबर हैं आपस में और सबका अधिकार समान होना चाहिए। एक इक्वेलिटी की बात वहां से निकली और सब भाई भाई हैं आपस में, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, और ये हमारी जो प्रजातंत्र के मूल्यों की बात होती है ना, ये सब 1788 में फ्रांस की क्रांति से शुरू हुए। और फ्रांसीसी लोगों ने इन सब मूल्यों पर आधारित अपने यहां प्रजातंत्र की स्थापना कर ली और पूरा देश एक पुराने राजाशाही पद्धति में जो घिसट रहा था या सड़ रहा था या व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार पैदा हो गया था, उसको उन्होंने खत्म कर लिया। एक रोचक बात और बताता हूं, फ्रांसीसी क्रांति जो 1788 में हुई, इसकी शुरुआत जिस एक मुद्दे से हुई, सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करने वाला 1788 में फ्रांस का जो मुद्दा था, महंगाई था, गरीबी था, भुखमरी था, बेकारी था, यह तो था ही, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा था उस समय फ्रांस में। सबसे ज्यादा करप्शन की बात होती थी। लोग ये कहते थे कि हमारे देश के विकास के लिए राजा का जितना बजट बनता है और हम जितना पैसा राजा को टैक्स में देते हैं, उसमें अंतर बहुत है। माने टैक्स में बहुत ज्यादा देते हैं और लोगों के विकास के लिए बहुत कम खर्च होता है, बाकी पैसा कहां जाता है, तो राजा खा जाता है या उसके अधिकारी खा जाते हैं। यहां से बात शुरू हुई थी भ्रष्टाचार की। और उस भ्रष्टाचार की बात के आगे बढ़ते बढ़ते गरीबी, भुखमरी, बेकारी, महंगाई, ये सब जुड़ता गया और इन सब ने मिलकर एक साथ फ्रांस में क्रांति पैदा कर दी। और जिस फ्रांस में एक जमाने में कहा जाता था कि लुई के शासन को हटाना
भगवान से टक्कर लेने जैसा है, ऐसा फ्रांसीसी लोग कहा करते थे। लुई के शासन को समाप्त करना भगवान की गद्दी को उलटने जैसा है, माने लुई को भगवान मानते थे वहां के लोग, राजा को भगवान का मानते थे, देवदूत मानते थे। तो एक जमाने में जिस फ्रांस में राजा को हिलाना, राजा को हटाना, उसकी गद्दी उलटना, उसकी सत्ता पलटना एकदम असंभव माना जाता था, उसी फ्रांस में थोड़े सा प्रयास कुछ लोगों ने किया और एक दिन फ्रांस उस राजा की गुलामी से और उस बेवसी वाली व्यवस्था से आजाद हो गया। भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी सब कुछ उन्होंने अपने देश में से बड़े पैमाने पर समाप्त करा लिया। और आज फ्रांस दुनिया में बहुत गर्व से कहने वाला ये देश है कि फ्रांस की शिक्षा व्यवस्था सबके लिए समान है, फ्रांस की चिकित्सा व्यवस्था सबके लिए समान है। सरकार के धन से चिकित्सा चलती है, सरकार के धन से शिक्षा होती है। चिकित्सा और शिक्षा पर जितना पैसा फ्रांस खर्च करता है शायद ही दुनिया का कोई दूसरा देश करता होगा। और फ्रांस के आज के राजनेता ये कहते हैं कि ये करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि 1788 की क्रांति ने इतना डर बिठा रखा है नेताओं के मन में कि अगर ये नहीं करेंगे तो आज के नेताओं का भी वही हाल होगा जो लुई 16वें का हाल फ्रांस में हुआ। इसलिए फ्रांस के नेता डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं और सही रास्ते पर चलते रहते हैं। आज फ्रांस में ऐसा माहौल है कि थोड़ा भी भ्रष्टाचार, थोड़ा भी करप्शन का मामला किसी एक प्रधानमंत्री के खिलाफ या राष्ट्रपति के खिलाफ आ जाए, तुरंत सरकार पलट जाती है, तुरंत सरकार बदल जाती है। तो ऐसी एक क्रांति फ्रांस में हुई है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, ऐसी एक क्रांति रूस में भी हुई है। एक जमाना था कि रूस में भी बहुत बुरा हाल हो गया था। 1917 के आसपास रूस में क्या हुआ, वैसे तो आप सभी जानते हैं अगर थोड़ा भी इतिहास आप पढ़ते होंगे, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दुनिया में। इस प्रथम विश्व युद्ध में रूस को लड़ना पड़ा जर्मनी के खिलाफ। जर्मनी एक तरफ था, जर्मनी ऑस्ट्रिया जैसे देश एक तरफ थे, रूस और रूस के सहयोगी देश एक तरफ थे। तो 1914 से 1917 तीन साल विश्व युद्ध चला। इस विश्व युद्ध में रूस की आर्थिक रूप से बड़ी भारी नुकसान हो गया, कि बहुत नुकसान हो गया। रूस का पैसा बहुत ज्यादा डूब गया युद्ध में, रूस के कारखाने काफी हद तक बंद हो गए युद्ध के कारण। युद्ध में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का सारा पैसा युद्ध में लग जाता है। भारत ने चार चार विदेशी युद्ध लड़े हैं अपनी जमीन पर और एक पांचवा छोटा युद्ध लड़ा है कारगिल का, इसलिए भारत को तो यह अंदाजा सबसे ज्यादा है कि जब भी युद्ध होता है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डावाडोल हो जाती है। वैसे यह विश्व युद्ध हुआ तो रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डावाडोल हो गई। उस समय रूस में एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था निकोलस जार करके। निकोलस जार ने देखा कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह से खराब हो गई है, पैसा सरकार के पास बचा नहीं है, तो क्या किया जाए। उसने रूसी मुद्रा जो होती है जिसको रूबल कहते हैं आज, उसको छापना शुरू कर दिया और अंधाधुंध मुद्रा उसने छापी तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, मुद्रा स्फीति बढ़ गई। मुद्रा स्फीति बढ़ने से महंगाई बढ़ गई और महंगाई बढ़ने से फिर वही दुष्चक्र शुरू हो गया, गरीबी आ गई, भूखमरी आ गई और रूस पूरी तरह से दुर्व्यवस्था में घिर गया। निकोलस जार ने बड़ी कोशिश की अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की, ठीक करने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो निकोलस जार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ रूस में। उस आंदोलन का जो नेता हुआ करते थे उनका नाम था लेनिन। लेनिन ने एक पार्टी बनाई थी, एक संगठन बनाया था, वो संगठन बाद में पार्टी बन गया, उसी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। तो पहले ये कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बन गया। तो लेनिन ने संगठन बनाया और सारे देश में लेनिन ने घूम घूम कर ये बताना शुरू किया कि निकोलस जार की गलत व्यवस्था के कारण, गलत नीतियों के कारण रूस पराजित हो गया युद्ध में। और उस समय युद्ध में जर्मनी की जीत हुई थी, जर्मनी एक तरह से विजयी रहा था, तो रूस पराजित हो गया। रशियन लोगों के दिल में ये बात बहुत चुभती थी कि हम हार कैसे गए, हमारी पराजय कैसे हो गई, जबकि निकोलस जार ने सबसे मजबूत सेना बनाई हुई थी और लोगों से सबसे ज्यादा टैक्स लेकर वो सेना पे खर्च किया करता था, लेकिन फिर भी पराजय हुई। तो रूस के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि उनका देश पराजित हो गया, उनका देश हार गया। तो धीरे धीरे मन में वो बात बैठने लगी और लेनिन ने संगठन खड़ा कर दिया। पराजय की बात लोगों के मन में थी, उसके बाद महंगाई बढ़ गई, गरीबी, भुखमरी, बेकारी बढ़ गई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया।
चरम पर कैसे पहुंच गया? जब अर्थव्यवस्था टूटती है ना और ऐसा लगता है कि देश डूबने जा रहा है, तो जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं वो अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा बटोरना शुरू कर देते हैं। तो निकोलस जार के जो नजदीकी लोग हुआ करते थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता गया। तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बना रूस की क्रांति का, गरीबी दूसरा मुद्दा था, महंगाई तीसरा मुद्दा था और आर्थिक दुर्व्यवस्था था मुद्दा था। फिर धीरे धीरे रूस में और एक गंभीर स्थिति बन गई कि रूस के खेतों में किसान जो मेहनत करके उत्पादन करते थे, अचानक से वहां ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण 1917, 1916, 1915 उन दिनों में उत्पादन भी घटता गया और खेती से आने वाली आमदनी भी लगातार कम होती गई। इन सब परिस्थितियों ने मिलाकर क्रांति को वहां जन्म दिया और लेनिन के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना, जो पार्टी बाद में बन गया, उन्होंने जार के शासन को उखाड़कर फेंक दिया, जार को गद्दी से उतार दिया, निकोलस जार को गद्दी से उतार दिया। बाद में उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उसको फांसी देके मार डाला और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पर राज संभालना शुरू किया। तो कम्युनिस्टों ने जो राज संभाला वहां रूस में, तो वहां पर कई व्यवस्थाएं उन्होंने बदल दी। एक व्यवस्था उन्होंने ये बदली कि कभी भी भविष्य में इन्फ्लेशन ना बढ़े, महंगाई ना बढ़े, तो अर्थव्यवस्था को एक नए सिरे से उन्होंने ढाला। फिर उसके बाद गरीबी भुखमरी ज्यादा ना हो, लोगों के पास जमीनें हो, हर आदमी के पास उत्पादन करने के लिए थोड़ी जमीन हो, तो भूमि के स्वामित्व की व्यवस्था उन्होंने बदल डाली। ऐसे करके पूरे तंत्र को बदल दिया। जार के जमाने में ऐसा होता था कि मात्र 1% लोगों के हाथ में रूस की पूरी जमीन थी, मात्र 1% लोग पूरी जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए थे। आप सोचो, देश रूस जो है ना, दुनिया में सबसे बड़ा देश है। अगर आप भूगोल देखेंगे दुनिया के देशों का, तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसको हम थोड़े दिन पहले तक सोवियत संघ कहते रहे, यूनाइटेड स्टेट्स रशिया जिसको बताते रहे, वो दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा जमीन उनके पास है और दुनिया की सबसे कम जनसंख्या वहां रहती है, तो जमीनें बहुत हैं। तो निकोलस जार के जमाने में क्या हुआ था कि सारी जमीनें इकट्ठी होकर 1% लोगों के हाथ में आ गई थी। तो ये लेनिन ने ही मुद्दा बनाया था कि सारी जमीनें 1% लोगों के हाथ में है और 99% लोग वहां भूमिहीन हैं, लैंडलेस हैं, तो ये 99% लोगों को इकट्ठा किया जाए और इनको संगठित करके क्रांति की शुरुआत की जाए। तो वहां से उनके यहां क्रांति की शुरुआत हुई और वो संगठन मजबूत होता ही गया और एक दिन चलकर उन्होंने जार की पूरी व्यवस्था को उलट दिया और सोवियत संघ एकदम नया देश बन गया। उसके बाद से सोवियत संघ ने अमेरिका के सामने सारी की सारी कंपटीशन लगा दी, पूरी की पूरी प्रतियोगिता लगा दी और रूस को ऐसा उन्होंने तय कर लिया था कि अमेरिका से किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए। अमेरिका पूंजीवादी तरीके से विकसित होने वाला देश था, इन्होंने साम्यवादी तरीके से देश को विकसित करना शुरू किया और काफी हद तक उस देश को उन्होंने आगे बढ़ा लिया। बाद में क्या हुआ, 1970 के दशक में रूस में फिर गड़बड़ी हो गई कि ये कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से जो शासन व्यवस्था आई थी, इस शासन व्यवस्था में क्या हुआ था, नौकरशाही पूरी तरह से हावी हो गई, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं भारत में, वो नौकरशाही पूरी तरह से हावी हो गई और नौकरशाही ने फिर भ्रष्टाचार की सारी हदें तोड़ दी और फिर उस नौकरशाही के खिलाफ फिर से बगावत हुई रूस में और उस बगावत में रूस जो है ना खंड खंड टूट गया। एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा भौगोलिक देश हुआ करता था, अब एक एक छोटे छोटे हिस्से में टूट गया है। रूस अलग हो गया, बायलोरशिया अलग हो गया, तजाकिस्तान अलग हो गया, किर्गिस्तान अलग हो गया, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हो गए। ध्यान इस बात को देना है कि 1977 में जब रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुआ, तो भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था और 1970 के बाद जो काउंटर रिवॉल्यूशन शुरू हुआ रूस में, जिसकी परिणति 1996 में हुई, तो भी भ्रष्टाचार वहां सबसे बड़ा मुद्दा था। माने अगर हम देखें, ज्यादातर देशों में क्रांतियां हुई हैं तो वहां की व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार जब चरम पर पहुंचा है तो लोगों ने उसका प्रतिकार किया है और क्रांति वहां पे हो गई।
एक और कहानी सुनाता हूं। चीन नाम का एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है। यह चीन देश भी एक लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। आपको एक बात पुरानी शायद याद है कि भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज चीन में भी गए थे, और ये अंग्रेज क्या किया करते थे, शुरू के दौर में भारत से कुछ अफीम लेके जाते थे और चीन में बेचा करते थे, चीन से चाय लेकर आते थे और भारत में बेचा करते थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला काम यह था, भारत में अफीम होती थी और अफीम भारत में बहुत साल से होती है, यह यहां पर आयुर्वेद की औषधि के लिए उपयोग में की जाने वाली खेती है, भारत में हजारों साल से आयुर्वेद में अफीम का उपयोग होता है, अंग्रेजी में जिसे हम लोग ओपियम कहते हैं, बहुत दवाएं बनती हैं इसकी। तो अंग्रेज यहां आकर अफीम खरीदते थे, चीन में ले जाके बेचते थे, चीन से चाय खरीदते थे, भारत में लाके बेचते थे। तो अंग्रेजों ने भारत की अफीम चीन के लोगों को पिला पिलाकर चीन को गुलाम बना लिया। इतनी शातिर कौम है ये अंग्रेजों की, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। चीन को गुलाम बनाने की ताकत इनमें बंदूक की नहीं थी, बंदूक से ये चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे, क्योंकि चीन की ताकत अंग्रेजों से कई गुनी बड़ी थी। भौतिक रूप से ये अंग्रेज चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे, सैनिक रूप से अंग्रेज चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे, आर्थिक रूप से अंग्रेज चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे। चीन अंग्रेजों से बहुत 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 बड़ा देश है, कई कई गुना ज्यादा आबादी है, कई कई गुने ज्यादा संसाधन है। तो अंग्रेजों ने देखा कि ना सैनिक रूप से चीन को जीता जा सकता है, ना भौतिक रूप से इनको गुलाम बनाया जा सकता है, ना इनके ऊपर हम सीधे राज्य कायम कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने एक नया रास्ता निकाला कि चीनी नौजवानों को अफीम पिलाओ, नशे का शिकार बनाओ और पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लो। आपको सुनकर हैरानी होगी, 50 साल अंग्रेजों ने चीनी लोगों को अफीम पिला पिला के ही गुलाम बना लिया और पूरा चीन अफीम का शिकार हो गया। बाद में चीन में कुछ नेता निकले और उनको यह बात समझ में आई कि हम तो इन अंग्रेजों के गुलाम हो गए अफीम के चक्कर में, व्यसन के चक्कर में। तब चीन में एक आंदोलन शुरू हुआ जो व्यसन मुक्ति का आंदोलन बना, नशा मुक्ति का आंदोलन बना। तो व्यसन मुक्ति के आंदोलन में से, नशा मुक्ति के आंदोलन में से एक नया चीन निकला। उन्होंने पहले तो अंग्रेजों को मार के भगाया अपने देश में से, अपने देश के पूरे इलाके को स्वतंत्र कराया और इसी स्वतंत्रता में काफी लड़ाइयां हुई अंग्रेजों की चीनी लोगों के साथ। उसमें अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ, चीनी लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अंत में अंग्रेज हारे और वहां से भागे। अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन जब चीन में चला तो वहां भी स्वदेशी आंदोलन ही मूल आधार में था, और स्वदेशी की बात को लेकर चीनी लोगों ने यही संकल्प लिया था कि जिन अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराना है, उन अंग्रेजों की कोई वस्तु नहीं खरीदनी है, उन अंग्रेजों की कोई वस्तु का उपयोग नहीं करना है। तो पूरे चीन में स्वदेशी आंदोलन चला, अंग्रेजों का बहिष्कार हुआ, अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार हुआ, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, अंग्रेजी पहनावे का बहिष्कार हुआ, अंग्रेजी भोजन का बहिष्कार उन्होंने किया, अंग्रेजी नामों का बहिष्कार किया, अंग्रेजी भवन जो बना दिए थे अंग्रेजों ने उनको तोड़ दिया, पूरी तरह से एक एक ईंट उसकी निकाल दी उन्होंने। इस तरह से पूरे चीन को उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता और गुलामी से आजाद कराया। बाद में थोड़े समय के लिए चीन में थोड़ा बिखराव आ गया था, कुछ अंग्रेज समर्थक नेताओं का चीन पर कब्जा हो गया था। फिर उन अंग्रेज समर्थक नेताओं को हटाने के लिए चीन में एक दूसरी क्रांति हुई जो माओ ज़ेदोंग के नेतृत्व में हुई और 1949 में वो सफल हुई, और 1 अक्टूबर 1949 को चीन उस क्रांति में सफल होके अपने आप को गणराज्य घोषित किया। तब से चीन सारी दुनिया के सामने एक स्वदेशी और स्वावलंबी देश के रूप में आगे बढ़ा है। चीन ने जो सबसे अच्छा काम अपने देश में किया इस आंदोलन में से, उन्होंने ये देख लिया कि अंग्रेजों के रास्ते पर चलकर, अंग्रेजों की व्यवस्थाओं को उपयोग करके, अंग्रेजी कानूनों को उपयोग करके अपने देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो उन्होंने सारे अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी व्यवस्थाओं को हटा दिया। अंग्रेजों ने चीन में सेंट्रलाइजेशन कर दिया था उद्योगों में, चीन की सरकार ने उसका उल्टा कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया उद्योगों में। उन्होंने कहा कि अंग्रेज बड़े उद्योग लगाते थे, चीन की सरकार ने कहा हम छोटे छोटे
हजारों उद्योग लगाएंगे। एक बड़ी मोटर कार आप बनाते हैं एक ही कारखाने में, चीन की सरकार ने उसका उल्टा कर दिया, उस मोटर कार का एक एक पुर्जा हजारों कारखाने में बनेगा और फिर किसी एक कारखाने में जाके उसकी असेंबली होगी। उन्होंने ऐसी अंग्रेजों से बिल्कुल उल्टी नीति बनाई, उसमें से चीन निकल आया, छोटे छोटे उद्योग लगे, गांव गांव उद्योग लगे और उसमें से चीन बढ़ता चला गया। फिर चीन की सरकार ने यह तय किया कि अंग्रेजों के जमाने में चीन में टैक्स बहुत हो गया था, चीन की सरकार ने कहा कि टैक्स हम कम से कम करेंगे और जो उद्योग उत्पादन करेंगे उनको टैक्स में ज्यादा से ज्यादा छूट देंगे। तो आज चीन की नीति है कि चीन में अगर कोई औद्योगिक उत्पादन करता है तो सरकार उसको कम से कम टैक्स लगाती है और जो व्यक्ति उत्पादन करके निर्यात करता है सरकार उसको टैक्स तो लगाती ही नहीं है, उल्टा उसको मदद करती है सब्सिडी के रूप में, उसको वो एक्सपोर्ट सब्सिडी कहते हैं और अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट सब्सिडी वो अपने उद्योगों को देते हैं। परिणाम क्या होता है कि चीन में बनने वाली 10 रुपए की चीज दुनिया के बाजारों में 5 रुपए में बिक जाती है, क्योंकि 10 रुपए की वस्तु पर 5 रुपए वहां की सरकार सब्सिडी में दे देती है। तो उन्होंने उद्योगों के लिए अपनी नीतियां बनाई, सब्सिडी एक्सपोर्ट में दी, उत्पादन पर कर सबसे कम लिया। चीन में बिजली दुनिया की सबसे सस्ती बिजली है, भारत में हम एक यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमको बाजार में 3.5-4 रुपए देना पड़ता है, उद्योगों को तो 6-7 रुपए देना पड़ता है, चीन में यही एक यूनिट बिजली 90 पैसे में उद्योगों को मिल जाती है। सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ती सड़कें, लोगों के ऊपर टैक्स कम से कम, व्यापार और उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा, निर्यात वाले उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा और खेती और किसानी करने वालों को तो सबसे ज्यादा बढ़ावा। इस तरह से चीन बढ़ता गया और आज सारी दुनिया के बाजारों में ज्यादा से ज्यादा सामान आपको मिलेगा तो चीन का माल मिलेगा। अमेरिका के बाजार में जाओ तो चीनी माल है, ब्रिटेन के बाजारों में जाओ तो चीनी माल दिखाई देगा, भारत के बाजारों में देख लो दुकानें भरी पड़ी हैं चीनी सामानों से, चीनी खिलौने हैं, चीनी अगरबत्तियां, चीनी मोमबत्तियां, चीनी गणेश जी आ गए हमारे देश में, चीनी लक्ष्मी जी आ गई, अभी थोड़े दिन पहले दीपावली आके गई है, दीपावली पर चीन से बनाए हुए लक्ष्मी गणेश आकर भारत में बिक गए, और अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ दीपावली के पहले कुछ और त्योहार आए, एक राखी का त्योहार आया रक्षाबंधन का, मैं हैरान हो गया हरिद्वार जैसे छोटे शहर में चीन की बनाई हुई राखी बिक गई। चीन की राखियां बिक जाती हैं, चीन की लक्ष्मी गणेश जी बिक जाते हैं, चीन के बनाए हुए बच्चों के खिलौने आकर इतने बिक रहे हैं कि भारत के सारे खिलौना बनाने वाले उद्योग बर्बाद हो रहे हैं। तो चीन की हर वस्तु इतनी सस्ती, चीन की घड़ियां आकर दिल्ली के बाजार में बिकती हैं किलो के हिसाब से, घड़ी ले लो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, तराजू में तौल के देता है, 1 किलो घड़ी 40 रुपए की, 2 किलो घड़ी 80-100 रुपए की। चांदनी चौक में आप जाइए दिल्ली में, चीन की घड़ियां किलो के हिसाब से मिलती है, इतनी सस्ती सस्ती चीजें। सब लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि चीन का माल इतना सस्ता क्यों है, कारण उसके तीन है। चीन की सरकार अपने उद्योगों को स्वदेशी नीति के हिसाब से आगे बढ़ाती है और स्वदेशी नीति उनकी क्या है कि जो चीन का उद्योग सामान बनाएगा और उसको दूसरे देश में बेचने के लिए जाएगा तो सामान के बनाने का जितना खर्चा आएगा सरकार दे देगी, वो ये उनकी नीति है। टैक्स तो लेना नहीं है, पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो भी सरकार दे देगी। और बिजली चाहिए तो सबसे सस्ती बिजली, मैंने कहा 90 पैसे यूनिट की बिजली है चीन में, हम बिजली इस्तेमाल करते हैं उद्योगों में 6-7 रुपए यूनिट की है, उनके यहां 90 पैसे यूनिट की है। पानी उद्योगों के लिए सबसे सस्ता, सड़कें फोकट में बना के सरकार दे देती है उद्योगों के लिए। और चीन में कोई उद्योग लगाना हो और चलाना हो और कोई स्वदेशी व्यक्ति उस काम को करे तो 1 महीने के अंदर सारी व्यवस्थाएं सरकार करके दे देगी, सड़क बना देगी, बिजली के तार डल जाएंगे, लाइनें खींच जाएंगी, पानी पहुंच जाएगा, 1-1.5 महीने में आप अच्छे से इंडस्ट्री शुरू करिए और आप एक्सपोर्ट करने लगे तब तो आपका सारा खर्चा सरकार उठा लेगी। तो ये जो स्वदेशी नीति उनकी है, इस स्वदेशी नीति को वो 1949 से पालन कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं और आज सारे दुनिया के सामने चीन एक देश के रूप में खड़ा है। मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि 1949 में चीन भुखमरी का शिकार था,
भूखे मरने वाले लोगों का देश था और आज सारी दुनिया को भोजन करा दे इतना अनाज चीन में पैदा हो रहा है, सारी दुनिया के बाजारों को अपने सामानों से पाट दे इतना उत्पादन उनके देश में हो रहा है। तो चीन का इतिहास पढ़ें या जापान का, फ्रांस का इतिहास पढ़ें या अमेरिका का, इन सब देशों के इतिहासों में एक बात समान दिखाई देती है, वो ये कि जब जब इन देशों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और जब जब स्वदेशीपन अपनी अर्थव्यवस्था में अपनाया, इन देशों में क्रांतियां हुई और क्रांतियां सफल हुई और सफल होकर उन सभी देशों को इन क्रांतियों की मदद से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश उन्होंने बना दिया। 50 साल पहले का जापान, 50 साल पहले का चीन, 150 साल पहले का फ्रांस या 200-250 साल पहले का अमेरिका, किसी को विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी तरक्की करके इतना ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये सब देश तरक्की करके ऊपर आए तो उसके पीछे स्वदेशी का सिद्धांत, स्वदेशी का आंदोलन, स्वदेशी की भावना, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को बनाए रखने की मन में जिजीविषा, इन सब मूल्यों ने मिलकर उनके देश को आगे बढ़ाया। अब मैं आखिर में भारत की बात करना चाहता हूं कि ये सारे देश अगर सफल हो सकते हैं स्वदेशी का सिद्धांत अपनाकर, तो भारत सफल क्यों नहीं हो सकता स्वदेशी का सिद्धांत अपनाकर? सीधी सी बात है, अगर जापान सफल हो सकता है, फ्रांस सफल हो सकता है, अमेरिका सफल हो सकता है, चीन सफल हो सकता है, रूस सफल हो सकता है, तो भारत भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत स्वाभिमान का यह पूरा का पूरा अभियान जो भारतीयता और स्वदेशी को आधार बनाकर चल रहा है, जिसके मूल सिद्धांतों में भारतीयता और स्वदेशीपन है, यह भारत स्वाभिमान का अभियान भी पूरी तरह से सफल होगा इस देश में। दूसरी बात जो मुझे लगती है भारत स्वाभिमान के सफल होने के लिए, वो ये कि इन 5 देशों में क्रांतियों का उदाहरण मैंने आपको दिया, ऐसे 70 देश हैं दुनिया में जहां क्रांतियां हुई हैं पिछले 1000 वर्षों में। इन सभी देशों में क्रांतियां तभी हुई हैं जब भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। भारत में भी इस समय भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंचा हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत स्वाभिमान की क्रांति भी सफल होगी। हमारे देश में भ्रष्टाचार कितने चरम पर है, आप सभी ये बात को याद रखिए। हमारे देश में एक पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री राजीव गांधी, उन्होंने एक बार लोकसभा में ये कहा कि मैं देश की अर्थव्यवस्था में जब किसी नागरिक से 1 रुपये टैक्स का लेता हूं और बदले में वो 1 रुपये विकास के लिए उस नागरिक के पास देता हूं, तो उसके पास मात्र 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा तो भ्रष्टाचार और घूसखोरी में ही चला जाता है। ये बात श्री राजीव गांधी ने कही थी संसद में। बहुत सारे देश के अर्थशास्त्रियों ने उस समय श्री राजीव गांधी को यह कहा था कि आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, तो श्री राजीव गांधी ने कहा था कि शायद थोड़े दिनों के बाद लगेगा कि मेरी बात अतिशयोक्ति नहीं है। श्री राजीव गांधी अब जीवित नहीं है, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। हमारे देश की सरकार ने समय समय पर अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को नापने के लिए कई अध्ययन करवाए हैं और उन सभी अध्ययनों की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार अगर दिल्ली से 1 रुपया विकास के लिए नीचे किसी आदमी को भेजती है तो अब तो उसके पास 10 पैसा ही पहुंच पाता है, 90 पैसा तो घूसखोरी और भ्रष्टाचार में ही चला जाता है। अब आप सोचिए कि जब देश के विकास के लिए 1 रुपया सरकार के द्वारा खर्च किया जाए और उसमें से 90 पैसा भ्रष्टाचार में चला जाए, घूसखोरी में चला जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि विकास के लिए खर्च होने वाले धन का 90% लूटमारी में जा रहा है। घूसखोरी माने लूटमारी, डकैती, सीधे सीधे डकैती और लूटखोरी में 90% धन जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? परम पूजनीय स्वामी जी आपको थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सारे देश के विकास के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार का जो 1 साल का बजट है 20 लाख करोड़ का है, अगर इस 20 लाख करोड़ में से 90% घूसखोरी और लूटखोरी में जा रहा है और मात्र 10% ही देश के विकास के काम में आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि साल में 20 लाख करोड़ में से 18 लाख करोड़ रुपए लूटा जा रहा है, बर्बाद हो रहा है और मात्र 2 लाख करोड़ रुपए ही विकास पे खर्च हो रहा है।
115 करोड़ की जनसंख्या में साल में 2 लाख करोड़ रुपए विकास का खर्च है, 18 लाख करोड़ घूसखोरी और भ्रष्टाचार में जा रहा है। इसका माने भ्रष्टाचार भारत में पूरे चरम पर है और आने वाले समय में अगर व्यवस्था को हमने नहीं बदला तो यह भ्रष्टाचार और बढ़ने वाला है। इसी भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम है कि भारत के नेताओं ने पिछले 63 साल में देश के लोगों के खून पसीने की कमाई के पैसे में से 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लूटकर विदेशी बैंकों में, स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर रखा है। इसका माने भारत में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। अब ध्यान दे देना है कि जब जब दुनिया के जिस देश में भ्रष्टाचार चरम पर हुआ है उसी समय लोगों ने क्रांति की है, तो आज भारत में भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में भी क्रांति अब होगी और व्यवस्था परिवर्तन होगा। भारत का भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि यहाँ के लोग तो कफन को बेचकर खाने की तैयारी में बैठे हैं। इतने भयंकर भ्रष्टाचार वाले भारत में क्यों नहीं क्रांति सफल होगी? मुझे तो लगता है कि जरूर सफल होगी। इसलिए भारत स्वाभिमान के अभियान का मूल जो उद्देश्य है और मूल सिद्धांत है, भ्रष्टाचार की समाप्ति हमारा उद्देश्य है, सिद्धांत स्वदेशी और भारतीयता का है, मुझे लगता है कि जरूर यहां भी क्रांति सफल होगी। और एक बात मुझे जो ध्यान में आपके लानी है वो ये कि दुनिया के जिन देशों में भी क्रांतियां हुई हैं, वो क्रांतियों के लिए भूमि बनी है जब वहां गरीबी बहुत बड़ी हो, भुखमरी बहुत बड़ी हो, बेरोजगारी बहुत बड़ी हो, महंगाई बहुत बड़ी हो। भारत में भी आप देखो गरीबी कितनी भयंकर है। 115 करोड़ भारतवासियों में 84 करोड़ भारतवासी इतने गरीब हो कि दिन में 20 रुपए भी खर्च करने के लिए उनके पास ना हो। हमारी 77% जनसंख्या भयंकर गरीबी में रह रही हो, और क्या गरीबी होगी? जब हम आजाद हुए थे तो 4 करोड़ भारतवासी गरीब माने जाते थे, अब आजादी के 63 साल में 84 करोड़ भारतवासी गरीब हो गए। माने आजादी के 63 साल में गरीबी 21 गुनी बढ़ गई। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि राजीव भाई गरीबी इसलिए बढ़ गई कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई। अगर जनसंख्या बढ़ने की बात देखेंगे तो आजादी मिली उस समय हम 33 करोड़ थे 1947 में, अब हम 115 करोड़ हो गए, तो जनसंख्या हमारी 3.5 गुनी बढ़ी है, तो गरीबी भी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए। तो 4 करोड़ की गरीबी 12 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन गरीबी 4 करोड़ लोगों से बढ़कर 84 करोड़ तक कैसे पहुंच गई? जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी, गरीबी 21 गुनी कैसे बढ़ गई? गणित के किसी सिद्धांत से हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते। अगर जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ रही है तो गरीबी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए। जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी, गरीबी 21 गुनी बढ़ गई। इसका एक ही उद्देश्य, एक ही का जवाब है, वो ये कि जनसंख्या भले 3.5 गुनी बढ़ी हो लेकिन आजादी के 63 साल में इस देश की लूट 21 गुना बढ़ गई है, घूसखोरी भ्रष्टाचार 21 गुना बढ़ गया है, जिसके कारण ये गरीबी इस देश में बढ़ गई है। तो गरीबी इस देश में है जो क्रांति के लिए बहुत बड़ा आधार बनाता है। बेरोजगारी इस देश में कितनी भयंकर है, हमारी सरकार ये कहती है कि दो हाथों से काम करने वाले भारत में 64 करोड़ लोग रहते हैं, जिनके दो हाथों में दम है काम करने का। माने काम करने की उम्र जिन लोगों की है ऐसे 64 करोड़ लोग इस देश में हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वर्किंग एज। हमारे देश में जिनकी काम करने लायक उम्र है वो 64 करोड़ हैं, और इनमें से सम्मानजनक काम सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों को ही मिल पाया है आजादी के 63 साल में। जिसको हम कहते हैं सम्मानजनक रोजगार, वो सिर्फ भारत में 3.5 करोड़ लोगों को है। 64 करोड़ लोगों में से 3.5 करोड़ लोगों को ही सम्मानजनक काम है, बाकी के लोगों को तो सम्मानजनक काम ही नहीं है इस देश में। और ये 3.5 करोड़ लोग कौन है? बैंकों में काम करने वाले, बीमा कंपनियों में काम करने वाले, सेना में काम करने वाले, वायुसेना में, नौसेना में, जल सेना में, थल सेना में, सरकार के पब्लिक सेक्टर में, राज्य सरकार में, कुल मिलाकर सरकारी स्तर पर काम करने वाले 3.5 करोड़ हैं। बाकी के लोगों के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी को साल में 3 महीने काम मिलता है, किसी को साल में 2 महीने काम मिलता है, किसी को ठेला चलाना है, किसी को रेहड़ी लगानी है, किसी को सड़क के फुटपाथ पर बैठकर अपना माल बेचना है, वो भी शांति से नहीं बेच सकता। पुलिस वाले आते हैं डंडा मार के कभी भी भाग जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं पैसे वसूल के
कभी भी चले जाते हैं, तो सड़क पर ठेली लगाने वाले, रेहड़ी लगाने वालों को भी कोई सरकार इस देश में सम्मानजनक काम नहीं दे पाती है। किसानों का हाल इतना खराब है, आपने परम पूजनीय स्वामी जी के मुख से सुना, मात्र 40% खेत को ही पानी मिल पाया है, 60% खेती बिना पानी के है। भगवान ने पानी दे दिया तो खेती हो जाएगी, बारिश समय पर हो गई तो खेती हो जाएगी, बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं हो पाएगी। इतना बुरा हाल खेतों का है। बहुत दर्दनाक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत की 60% खेती पानी के बिना है, भगवान के भरोसे है, प्रकृति के भरोसे है। अगर बारिश हो जाए तो ठीक है, नहीं बारिश हो पाए तो गांव से लोग उजड़ना शुरू हो जाते हैं। और सरकार के आंकड़े हैं कि हर एक मिनट में 30 गांव के लोग गांव छोड़कर शहर भाग जाते हैं, वो झुग्गी झोंपड़ियों की जनसंख्या बढ़ाते हैं, फिर झुग्गी झोंपड़ियां बसना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि गांव में बारिश नहीं हुई ठीक से, खेत में कुछ पैदा होगा नहीं, रोटी तो खानी है, पेट की आग तो बुझानी है, तो लोग शहर में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, धारावी में रहना शुरू करते हैं, बेंगलोर में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, झोंपड़ पट्टियों में रहना शुरू करते हैं। और बहुत दुख से कहना पड़ता है कि मुंबई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, सिकंदराबाद जैसे बड़े शहरों में 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है, और उन झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है जहां 10x10 फीट की एक छोटी सी खोली होती है, उसमें 8-10 आदमी भेड़ बकरी की तरह से रहते हैं, कीचड़ होता है, नाली होती है, कुत्ते होते हैं, बदबूदार स्थिति होती है। मैं तो धारावी की झोंपड़ पट्टियों में इतनी बार गया हूं, आप अगर जाएं तो नाक पर रूमाल रखे बिना एक मिनट वहां खड़े नहीं हो सकते। आप कल्पना करिए कि लोग वहां सालों साल अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि गांव से पूरी तरह से बेघर होकर उजड़कर वो शहर में आए हैं, क्योंकि गांव में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गांव में खेतों को पानी नहीं है, क्योंकि खेतों में कोई उत्पादन की स्थिति नहीं है, गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं बन पाया, सरकार की नीतियां ऐसी नहीं है जो गांव में रोजगार का बढ़ावा कर सके। तो गांव उजड़ रहे हैं और शहरों में आकर झोंपड़ पट्टियों की संख्याएं बढ़ रही है, रहने वाले लोगों की दुर्दशा वहां पर है। तो ऐसी नीतियां जब इस देश में चल रही हो और इतनी खराब हालत हो, तो क्यों नहीं क्रांति होनी चाहिए इस देश में, क्यों नहीं बगावत होनी चाहिए इस देश में, क्यों नहीं व्यवस्था बदलने की बात होनी चाहिए, क्यों नहीं कानून बदलने की बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ रही है। आप सब माताएं बहन अपना घर चलाती हैं, घर का बजट बनाना कितना मुश्किल हो गया है। 1992 के पहले 5,000 रुपए महीने में घर चलता था, अब 10 से 15 हजार रुपए महीने में घर चलना मुश्किल हो गया है। महंगाई भारत में चरम पर पहुंच रही है और सरकार के हाथ पर फूले हुए हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि इस महंगाई पर लगाम लगाना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं और जो कानून बनाए हैं वो महंगाई बढ़ाने वाले ही है, और महंगाई को घटाने वाली नीतियां इनके पास है नहीं, कानून है नहीं। महंगाई बढ़ी हुई है, गरीबी बढ़ी हुई है, बेकारी बढ़ी हुई है, मारामारी इस देश में बढ़ी हुई है, लोगों की दुर्दशा है, किसानों की दुर्दशा है, मजदूरों की दुर्दशा है। आखिर ऐसा क्या नहीं है इस देश में जो क्रांति करने के लिए फलीभूत हो नहीं सकता? मुझे लगता है कि रूस में, फ्रांस में, या फिर अमेरिका में, या तो जापान में, या तो चीन में जो क्रांतियां हुई, अगर वहां क्रांति होने के लिए 4-5 कारण थे, तो भारत में तो क्रांति होने के लिए बीसियों कारण है। इसलिए यहां भी क्रांति अब होगी और यहां भी व्यवस्था परिवर्तन का काम होगा, मुझे इस बात का संपूर्ण विश्वास है। और जिस देश में भी क्रांति हुई, कोई एक व्यक्ति ने विचार दिया, कोई एक व्यक्ति ने उस विचार के प्रयास के लिए संगठन बनाया, संगठन बनकर खड़ा हुआ और लोगों ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया। हर एक देश में ये बात दिखाई देती है, अपने भारत में भी हमको यही दिखाई देता है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने एक विचार हमको दिया कि 15 अगस्त 1947 को तो अंग्रेजों को भगाया, लेकिन अब अंग्रेजियत को भगाना बाकी है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भगाया, लेकिन अंग्रेजी भाषा को भगाना बाकी है। 15 अगस्त 1947 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया, लेकिन अभी 5,000 विदेशी कंपनियों को भगाना बाकी है। 15 अगस्त 1947 को एक अंग्रेजी कानून हटा इस देश में से, अभी 34,735 अंग्रेजी कानूनों को हटाना बाकी है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेजी पुलिस भी यहां है, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था है, अंग्रेजी कानून व्यवस्था है, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है। यहां तो भारत में सब कुछ वही है जो अंग्रेजों का है, बस इतना ही है कि पहले गोरे अंग्रेजों के द्वारा वो चलता था, अब काले अंग्रेज
चला रहे हैं, इसलिए भारत में आजादी की लड़ाई जो हुई है वो अधूरी है, उसको पूरा करने का काम हमें करना है। हमारे देश के क्रांतिवीर भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, ऐसे 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों को भगाकर आजादी हमारे हाथ में दी है। अब हमें क्या करना है, उस आजादी की व्यवस्था को बदल के स्वदेशी और स्वतंत्र व्यवस्था बनाना है, ये काम हमें करना है। शहीदों ने एक काम किया, हमें उसके आगे का दूसरा काम करना है। हमारे देश में शहीद जितना करके गए उसके आगे का काम हम कर पाए, इसी के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है। ऐसा अभियान कभी 1975 में हमारे देश के एक महानायक जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था, लेकिन समय ने साथ नहीं दिया, समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई, दोनों किडनियां उनकी फेल हो गई। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन उठाया था, संपूर्ण क्रांति की बात उन्होंने की थी, और हर व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में सत्ता परिवर्तन पहला चरण होता है, तो माननीय जेपी जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन शुरू हुआ, एक कदम आगे बढ़ा, उन्होंने सत्ता बदल दी, और ऐसी सत्ता बदल दी जिसके बदलने की किसी को कल्पना नहीं थी। एक जमाने में कोई ये सोच नहीं सकता था भारत में कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार कभी गिर सकती है। माननीय जेपी जी के नेतृत्व में चले आंदोलन ने श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को गिराया, सत्ता को बदल दिया, फिर आगे व्यवस्था बदलने का जो काम था वो अधूरा रह गया, क्योंकि जयप्रकाश जी समय से पहले चले गए, वो काम बिखर गया। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय जेपी जी का अधूरा काम और 1947 में जो अधूरा काम छूट गया क्रांतिकारियों से, जो पूरा होना चाहिए था, भगवान ने वही काम हमारी झोली में डाला है, भारत स्वाभिमान की झोली में डाला है। भारत स्वाभिमान इस अधूरे काम को पूरा करेगा और इस काम में पूरी तरह से सफल होगा, ऐसा मेरा संपूर्ण विश्वास है। और इस विश्वास के होने का एक और कारण है कि जब भी इस कमान, जब भी नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता है जो सन्यासी है, जब भी नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता है जो निस्वार्थी है, जब भी नेतृत्व किसी ऐसे आदमी के हाथ में होता है जिसको सत्ता की आकांक्षा नहीं, जिसको सिंहासन की आकांक्षा नहीं, जिसको पद की आकांक्षा नहीं, ऐसे नेतृत्व के साथ होने वाला आंदोलन हमेशा सफल होता है, उसको असफल करने की ताकत दुनिया में किसी में कभी नहीं रही है। तो अपना भारत स्वाभिमान का आंदोलन भी ऐसा ही आंदोलन है। अपने को सत्ता नहीं चाहिए, अपने को संपत्ति नहीं चाहिए, अपने को पद नहीं चाहिए, अपने को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, अपने को सत्ता, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए, अपने को तो एक और एकमात्र चाहिए कि भारत की गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, भुखमरी दूर हो, हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा वैभवशाली बने, सबसे ज्यादा समृद्धशाली बने, सबसे ज्यादा संपत्तिशाली बने, दुनिया के चरम पर भारत पहुंचे। जो 18वीं शताब्दी का भारत सारी दुनिया में सिरमौर था, अर्थव्यवस्था में सबसे आगे, शिक्षा में सबसे आगे, तकनीक में सबसे आगे, विज्ञान में सबसे आगे, 18वीं शताब्दी का भारत अगर इतना ऊंचा हो सकता है तो 21वीं सदी का भारत तो और ऊंचा हो सकता है। सत्ता के, पद के, प्रतिष्ठा के लोभ और लालच के बिना सारे देश के लाखों लाखों क्रांतिवीर जो भारत स्वाभिमान में जुड़े हैं, सेनानी बने हैं, ये जब लग जाएंगे, अपने संकल्प को, अपनी जिजीविषा को चरम पर लेके जाएंगे, मन में आत्मविश्वास लेकर आगे बढ़ेंगे कि हम इसको कर देंगे और सफल हो ही जाएंगे, ऐसे आत्मविश्वास और ऐसे संकल्प शक्ति से अगर हम बढ़ेंगे तो भगवान भी हमारी ही मदद करेगा और भगवान हमको जरूर आशीर्वाद देगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। यह आंदोलन जिसमें हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्टाचार करके अपने ही वतन के, जैसे भाई राजीव जी ने कहा, कुछ भ्रष्ट और बेईमान लोगों ने 100,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने देश का, स्वदेश का धन विदेशी बैंकों में जमा कराया हुआ है, और विदेशी लोगों के हाथों में अपने देश का सारा बाजार और व्यापार सौंप करके करीब 100,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लुटवाया है। अब भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश तो लगाएंगे ही, ये भ्रष्टाचार करके जो धन लूटा हुआ है और विदेशों में जमा कराया हुआ है उसको भी हम वापस लाएंगे, और इस देश की जो बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, अशिक्षा, जिसके बारे में बार बार भाई राजीव जी ने बात की, किस भारत स्वाभिमान के आंदोलन से हमको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा या खुद का उनको स्वावलंबन मिलेगा,
जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षा मिलेगी, जो अपमानित हैं उनको सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने का हक मिलेगा। भ्रष्टाचार की जो दुर्दशा, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र तक हमें कोई भी गवर्नमेंट से, सरकार से, एनओसी लेनी पड़े तो हर चीज के लिए भ्रष्टाचार, इतना चारों तरफ जो हाहाकार मचा है। अब भारत स्वाभिमान का अभियान ये सफल होगा, क्रांतिवीरों के सपनों का भारत बनेगा और दोबारा से इस वैभवशाली देश का निर्माण होगा। और उस सब के लिए भगवान ने इस युग में, इस समय आपको उत्पन्न किया है। लगता है उन 7 लाख से ज्यादा क्रांतिवीरों की आत्माएं आपके रूप में प्रकट हुई हैं और आप नेतृत्व करेंगे, आप अग्रणी बनेंगे, पूरा देश हमारे साथ खड़ा होगा। जो सबसे बड़ी बात यहां से कही जा रही है और जिसमें हम जीते हैं वो यह कि किसी में भी कोई प्रलोभन नहीं है सत्ता संपत्ति का। तो आइए इस मिशन में अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना वैभव, अपना सब कुछ जब हम इसमें अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से यह हमारा अभियान सफल होगा।